नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे जो 50 रुपीज़ से कम के शेयर हैं। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि वैसे शेयर बताइए जो कि कुछ सस्ते वैल्यू पे मिल रहा हो। तो अभी जो मार्केट में जो करेक्शन आया है, इसमें सारे के सारे जो शेयर्स हैं, सारे के सारे जो स्टॉक्स हैं, वो आपको बहुत ही चीप प्राइस पे मिल रहे हैं। आपको 40% 50% के डिस्काउंट पे मिल रहे हैं। लेकिन फिर भी सवाल हुआ बहुत सारे आदमी का, आप वैसे शेयर बताइए जो कि 50 रुपीज़ के अंडर है। तो वैसे शेयर हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं, कुल 5 शेयर बताएंगे जो कि आपको 50 रुपीज़ से लो प्राइस पे मिल रहे हैं। तो इसमें आपको खुद अपना रिसर्च भी करना है। मैं यहाँ पर आपको अपना रिसर्च बताऊँगा, अनबायस्ड, कोई भी बायस रिव्यू नहीं होगा। तो हम अपना रिसर्च इसमें बताएंगे कि कौन से स्टॉक में आपको कब इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या देखकर इन्वेस्ट करना चाहिए। तो सबसे पहले उसका बिजनेस देखना है, फिर उसका ग्रोथ देखना है आगे कैसा है, और फिर आपको प्राइस देखना है कि किस प्राइस पे आपको बाय करना है। मतलब हम उसके फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों एनालिसिस को करेंगे कि कौन से शेयर को बाय करना है, किस प्राइस पे बाय करना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले बता दें, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल पर जाइए और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज़ हैं उसे देखिए और स्टॉक मार्केट को सीखिए। और इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों से शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल के बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो जो सबसे पहला शेयर है हमारा, वो है अशोक लीलैंड। दोस्तों, अशोक लीलैंड जो हमारा ऑटोमोबाइल सेक्टर है, उसका एक लीडिंग कंपनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अशोक लीलैंड इज एन इंडियन ऑटोमोबाइल कंपनी, हेडक्वार्टर्स इन चेन्नई। इट इज ओन्ड बाय द हिंदुजा ग्रुप, ये हिंदुजा ग्रुप की कंपनी है। इट इज सेकेंड लार्जेस्ट कॉमर्शियल व्हीकल मैनुफैक्चर इन इंडिया, जो हमारा सेकेंड लार्जेस्ट कॉमर्शियल व्हीकल मैनुफैक्चर है इंडिया का, और फोर्थ लार्जेस्ट मैनुफैक्चर ऑफ बसेस इन द वर्ल्ड। मतलब पूरे वर्ल्ड में हमारा फोर्थ लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर है बस का, और 10th लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर है ट्रक्स का। कहाँ पे? ग्लोबली, मतलब पूरे वर्ल्ड में। पूरे वर्ल्ड में 10th लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर है ट्रक का, 4th लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर है पूरे वर्ल्ड में बस का, और इंडिया का 2nd लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर है किसका? कॉमर्शियल व्हीकल का। तो देख सकते हैं ऑटोमोबाइल की बहुत ही दिग्गज कंपनी है। और ये जो आप देख सकते हैं, जो यहाँ देख सकते हैं 52 वीक हाई का जो प्राइस है इसका 95 रुपीज़ है, और अभी जो आपको ये अवेलेबल है वो 47 रुपीज़ पे, और जो 52 वीक हाई से लो बनाया है वो है 33 रुपीज़ 70 पैसा। तो देख सकते हैं कि ये आपको जैसे और थोड़ा सा मार्केट में कभी करेक्शन आता है तो और आपको नीचे के प्राइस पे ये स्टॉक्स आपको मिल सकता है। तो इसका टेक्निकल एनालिसिस की बात करें तो हम देखिए 5 ईयर्स का चार्ट देखते हैं। तो ये देखते हैं मैक्सिमम प्राइस कितना गया है, 161 रुपीज़ तक ये मैक्सिमम प्राइस पे गया है। तो देखते हैं जो कि अपना बनाया था 2018 में अपना हाई है, तो वहाँ से आप देखते हैं बहुत ही शार्प करेक्शन इसमें देखने मिला है। अभी पिछले दो साल से ऑटोमोबाइल सेक्टर बहुत ही अंडर परफॉर्म है। तो जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जो हमारा है तेज़ी आती है, तो निश्चित है ये स्टॉक सबसे पहले आगे भागेगा, क्योंकि ये मार्केट का देख सकते हैं कि जो वन ऑफ द लीडर्स कंपनी है। तो जैसे आपको अगर इन्वेस्ट करना है जो सस्ते स्टॉक से और जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है और जिसका मार्केट अच्छा है, जिसका प्रोडक्ट अच्छा है, तो इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इसके लिए आपको जो थोड़ा वेट करना चाहिए, वॉच करना चाहिए, क्योंकि जो हमारा ये क्वार्टर फर्स्ट का जो रिजल्ट आएगा ये बहुत ही इफेक्ट करेगा शेयर को, क्योंकि इसमें आपको लॉकडाउन का इफेक्ट देखने मिलेगा। तो ये शेयर में और करेक्शन आएगा तो आप नीचे के प्राइस में इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, और एक लॉन्ग टर्म के लिए जब आप होल्ड करेंगे तो जैसे हमारा सिचुएशन नॉर्मल आता है तो आपको एक अच्छा रिटर्न देखने मिलेगा। तो ये एक बेहतरीन शेयर है जो कि 50 रुपीज़ से कम प्राइस पे उपलब्ध है। दूसरा शेयर देख सकते हैं हमारा है IDFC फर्स्ट बैंक। इसका जो अभी करेंट प्राइस है वो है 24 रुपीज़ 95 पैसे, और ये आज 5% डाउन है। और इसका जो प्राइस चार्ट है हम देख लेते हैं, तो देख सकते हैं ये जो हमारा लिस्ट हुआ है 2017 में लिस्ट हुआ है, और वहाँ से अभी तक ये अपने जो है अभी तक के लिस्ट होने में सबसे लो प्राइस पे है, देख सकते हैं यहाँ पर। और इसका सबसे लो प्राइस अभी देख बात करें तो वह है 24 रुपीज़ 50 पैसा, जो कि आज ही बनाया है। देख सकते हैं IDFC फर्स्ट बैंक जो 52 वीक लो है वो आज ही बनाया है, क्योंकि आज ही देख सकते हैं आज का जो लो है वो है 24 रुपीज़ 50 पैसा। तो लगातार इस स्टॉक में आपको देख रहे हैं करेक्शन देखने मिल रहा है। ये स्टॉक्स
एक अच्छा स्टॉक्स है, लेकिन जो अभी बैंकिंग सेक्टर है, फाइनेंस सेक्टर है, ये सब में करेक्शन देखने आपको मिलेगा। तो इसलिए अभी आपको वेट एंड वॉच करना, इसको दो चार क्वार्टर इसको वॉच करना चाहिए कि क्या ये बैंक दो चार क्वार्टर पॉजिटिव रिजल्ट पोस्ट करता है। जब ये पॉजिटिव रिजल्ट पोस्ट करेगा तब आप इसमें इन्वेस्ट करने के लिए सोच सकते हैं। तो यहाँ पर IDFC बैंक के बारे में देख सकते हैं। IDFC फर्स्ट बैंक इज एन इंडियन बैंकिंग कंपनी विद हेडक्वार्टर्स इन मुंबई दैट फॉर्म्स पार्ट ऑफ IDFC। यह पार्ट है IDFC का, एन इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल कंपनी जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंशियल कंपनी है, IDFC उसका एक पार्ट है। बैंक स्टार्ट हुआ, जो ऑपरेशन स्टार्ट किया 2015 में, और IDFC रिसीव्ड ए यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस RBI से कब, 2015 में। तो बिल्कुल नया बैंक है, जैसे आप देखते हैं कि ये अच्छा रिजल्ट पोस्ट करता है आगे चल करके, तो आप इस बैंक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत अच्छा बैंक है, लेकिन आपको इसका क्वार्टर देखना पड़ेगा, दो चार क्वार्टर ये रिजल्ट कैसा पोस्ट करता है। जैसे इसमें आपको इम्प्रूवमेंट दिखता है रिजल्ट में, तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन इसका प्राइस जो है देख रहे हैं लगातार करेक्शन हो रहा है, और जैसे क्वार्टर, इस क्वार्टर का रिजल्ट आएगा तो इसमें और करेक्शन देखने मिलेगा, क्योंकि इस बार क्वार्टर जो वन का रिजल्ट आएगा, सारी कंपनियों का क्वार्टर वन का रिजल्ट अफेक्टेड होगा, ऑलमोस्ट सभी कंपनियों का। कुछ कंपनियां जिसे लॉकडाउन से फायदा हुआ उसे छोड़ दें तो सारी कंपनियों में आपको करेक्शन देखने मिलेगा, क्योंकि उनके रिजल्ट जो है प्रभावित होंगे। तीसरा है हमारा ट्रीडेंट, देख सकते हैं ट्रीडेंट। ट्रीडेंट ये हमारा अभी करेंट प्राइस है 5.25 रुपीज़। ये शेयर कभी 70 रुपीज़ का हुआ करता था, और जब इसमें स्प्लिट हुआ तो इसका फेस वैल्यू 10 से 1 कर दिया गया, जिससे ये अभी आपको 5 रुपीज़ पे अवेलेबल है। नहीं तो ये 65 रुपीज़ का हुआ करता था, और अभी मात्र आप देख रहे हैं 5.25 रुपीज़ का है, और स्प्लिट के अनुसार 52 वीक हाई देखें तो वो है कितना, 8.40 रुपीज़ का, ऐसे 85 हुआ करता था। तो चलिए हम इसके प्रोडक्ट को देख लेते हैं, जो इसका प्रोडक्ट है देखते हैं। ट्रीडेंट इज फोकस ऑन कंटिन्यूस इनोवेशन, ये लगातार नए नए इनोवेशन पर फोकस करता है। बी इट द प्रोडक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर, ये प्रोडक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइबर्स यूज, जो फाइबर यूज होता है, यार्न प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग में, फ्रॉम द फाइनेस्ट यार्न टू स्पेशल फाइबर्स लाइक बम्बू, इकोलिप्टस, रेमी, सोया मिल्क एक्सेट्रा। न्यू वेविंग टेक्नोलॉजी में भी है। तो देख सकते हैं ये ज़्यादा फोकस करता है किस पे, कंटिन्यूस जो इनोवेशन है, नए इनोवेशन उसमें किस क्षेत्र में, जो टेक्सटाइल है, जो नए होम डेकोरेशन प्रोडक्ट है, उस तरह के नए इनोवेशन पे ये काम करता है, नए नए तरह के प्रोडक्ट को लाते रहता है। यहाँ पर देखते हैं ट्रीडेंट हैज़ बिन गिविंग न्यू प्रोडक्ट टू द मार्केट ऑन ए रेगुलर बेसिस, ये लगातार जो है नया नया प्रोडक्ट मार्केट को देते रहता है, मतलब नया नया इनोवेशन, नया नया खोज करते रहता है। इस तरह से इसका अगर दो चार प्रोडक्ट हिट कर जाता है तो ये आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है। जैसे इसका प्रोडक्ट, जैसे आपने देखा कि जो हमारा आयसर मोटर है उसमें जो हमारा रॉयल इनफील्ड बाइक है वो जैसे हिट किया, तो आयसर मोटर का शेयर आपको आपको देखने मिल सकता है कि 20,000-30,000 तक चला गया। उसी तरह से कोई भी कंपनी के जो प्रोडक्ट नए नए इनोवेशन पे, रिसर्च पे फोकस कर रहा है, कोई भी प्रोडक्ट हिट करता है और उसे अच्छा, मतलब कंपनी को अच्छा रिपूटेशन देता है, तो आप को उस कंपनी के शेयर एक बहुत ही बेहतर रिटर्न दे सकते हैं। तो लगातार आपको इसके प्रोडक्ट पर और इसके क्वार्टर के रिजल्ट पे फोकस बनाए रखना है। जैसे ये क्वार्टर का रिजल्ट बेहतर देता है और इसका जैसे कोई भी प्रोडक्ट फेमस होता है, तो आप इस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं इट्स प्रोडक्ट आर यूज इन हॉजरी प्रोडक्ट्स, टेक्सटाइल, फैब्रिक्स इत्यादि। The company has an engaged with Sega Tex International UK for marketing and exporting its cotton. यह export भी करता है, देख सकते हैं कि Sega Tex International UK को। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, choose from our latest collection of Trident's home decor product. देख सकते हैं home decor product online in India. ये mantra.com पर उपलब्ध है। Select the best of your home for bedsheet, bath towel, blankets and many more. तो ये सारे प्रोडक्ट्स हैं ट्रीडेंट के। तो ट्रीडेंट जो एक अच्छा शेयर है, और इसमें हम देख लेते हैं अब प्राइस चार्ट को, मतलब जो टेक्निकल चार्ट है उसमें देख लेते हैं कि ये कैसा दिख रहा है। तो देख सकते हैं ये टेक्निकल चार्ट है इसका, हम देख सकते हैं प्राइस जो है 6 रुपीज़ के आसपास है, लेकिन एक बार यहाँ पर प्राइस में देखिएगा लॉन्ग जंप आया है 71 रुपीज़ का। तो ये देख लीजिए, अब ये चार्ट निकल गया। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पहले बहुत ही कम रुपीज़ का देख सकते हैं कि पहले 70
79 पैसे का हुआ करता था, धीरे धीरे इसमें इनके बहुत ही तेज मूवमेंट आया, देख सकते हैं, और ये 10 रुपीज तक चला गया। फिर इसमें यहाँ से आपको देख सकते हैं करेक्शन देखने मिल रहा है आपको लगातार, और ये भी ये 52 वीक लो बनाया था कितना का, देख सकते हैं 3 रुपीज का, तो अभी आपको ये 5 रुपीज पे उपलब्ध है। तो ये लगातार अपने नया हाई बनाते रहा है, जैसे करेक्शन आया अभी मार्केट में तो हर स्टॉक में करेक्शन आया है, फिर ये जैसे अच्छा करता है, जैसे अच्छा रिजल्ट देता है, तो ये फिर से अपने एक नया मोमेंटम, एक नया हाई को अचीव करते हुए देखा जा सकता है। तो ये था ट्रेडर्स। अगला है हमारा बेकरांगी। दोस्तों बेकरांगी के अगर प्रीवियस चार्ट को देखें, हिस्टोरिकल चार्ट को देखें, तो ये कभी शेयर देख सकते हैं 500 रुपीज़ का हुआ करता था, लेकिन एक गलत न्यूज़ के कारण ये शेयर जो है लगातार आपको देख सकते हैं कि अभी आपको 26 रुपीज़ 35 पैसे पे उपलब्ध है। इसका बिजनेस मॉडल भी बहुत बेहतर है, बेकरांगी जो है हमारा, इसका प्रोडक्ट भी अच्छा है, लेकिन एक गलत न्यूज़ के चलते इसका किसी के साथ, मतलब जो गलत न्यूज़ आया गया था इलीगल बिजनेस का, जिसके कारण ये शेयर 500 रुपीज़ से आप देख सकते हैं कि आपने 52 भी कहा है 70 रुपीज़ तक आ चुका है। तो शेयर अच्छा है, लेकिन जब तक इसमें कोई पॉजिटिव न्यूज़ नहीं आ जाता तब तक आप इस शेयर में इन्वेस्ट ना करें। लेकिन शेयर अच्छा है, लेकिन जब तक इसमें कोई अच्छा न्यूज़ नहीं आता, जब तक कंपनी को अच्छा फिर से कार्य नहीं करती है, तब तक इसके शेयर में आपको मोमेंटम देखने नहीं मिल सकता है। तो देखिए, बेकरांगी इज ए टेक्नोलॉजी कंपनी बेस्ड इन मुंबई इंडिया दैट प्रोवाइड्स बैंकिंग, इंश्योरेंस, ई गवर्नेंस, ई कॉमर्स एंड लॉजिस्टिक सर्विस, ये सारी सर्विस प्रोवाइड करता है। द कंपनी इज वन ऑफ द मेन प्रोवाइडर्स ऑफ सॉफ्टवेयर एंड इक्विपमेंट्स, वोटर आईडी कार्ड एंड आधार कार्ड। आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड के लिए जो मेन इक्विपमेंट होते हैं और जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो प्रोवाइड करता है कौन, बेकरांगी। प्रोवाइड करने वालों में से ये मुख्य कंपनी है। आगे देख सकते हैं, बेकरांगी लिमिटेड इज ए टेक्नोलॉजी ड्राइविंग कंपनी फोकस्ड ऑन बिल्डिंग इंडियाज लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ लास्ट माइल रिटेल आउटलेट्स टू डिलीवर रियल टाइम बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस, एटीएम, इंश्योरेंस, ई गवर्नेंस, ई कॉमर्स एंड लॉजिस्टिक सर्विस टू दी अनसर्व्ड रूरल सेमी अर्बन एंड अर्बन मार्केट्स। मतलब देख सकते हैं सेमी अर्बन और अर्बन मार्केट में ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, बैंकिंग, फाइनेंस, एटीएम, इंश्योरेंस, ई गवर्नेंस, ई कॉमर्स, लॉजिस्टिक सर्विस। तो इस तरह की बहुत सारी सेवाएं हैं जो कि लगातार अब जैसे जैसे हमारा ऑनलाइन सारी चीज़ बढ़ रहा है, जैसे जैसे डिजिटल होता जा रहा है, तो इसके सर्विस का डिमांड भी बढ़ रहा है। तो अगर कंपनी सारे बिजनेस को अच्छे से करती है, तो अगर लगातार प्रॉफिट आगे देती है, तो इसके शेयर में एक तेज मोमेंटम फिर से देखने आपको मिल सकता है। तो बेकरांगी एक, मतलब कहे कि अच्छा कंपनी है, बस एक ख़राब न्यूज़ के चलते ये कंपनी का जो शेयर है 500 रुपीज़ से अभी आप देख सकते हैं कि 25 रुपीज़ तक आ चुका है। यहाँ पर देख लेते हैं थोड़ा कंपनी का ये शेयर होल्डिंग पैटर्न। सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी पोजीशन देख सकते हैं, 15 लाख शेयर का आज ट्रेडिंग हुआ है, जिसमें से 13 लाख शेयर डिलीवर हुआ है, देख सकते हैं 86% डिलीवरी है। तो आप यहां से देख सकते हैं बेकरांगी 86% डिलीवरी पोजीशन है, तो कितना देख सकते हैं डिलीवरी पोजीशन देख करके आप भी चौंक जाएंगे कि बहुत ही ज़्यादा डिलीवरी हो रहा है इस कंपनी में। अब हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं, तो प्रमोटर्स देख सकते हैं 42% है, पब्लिक शेयर होल्डिंग 57% है, और यहाँ 2019 में सितंबर में डिविडेंड पे किए, 18 में पे की है, 18 में देख सकते हैं कि पर शेयर डिविडेंड दी है 25 पैसा का, बोनस भी दिया है 2017 में। तो इस तरह से देखना, 2017 में 2 रुपीज़ का डिविडेंड दिया है, तो लगातार डिविडेंड भी पे कर रही है कंपनी। तो ये था बेकरांगी। उसी तरह से आप जो ट्रेडर्स है, जो ट्रेडर्स है, इसका भी देख सकते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न, और जो भी क्वांटिटी डिलीवर हुई है उसको देख सकते हैं। जो आज का डिलीवरी क्वांटिटी है इसमें देख सकते हैं 53% किसमें, ट्रेडर्स में, जो हमने पीछे बताया। और इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखना है तो यहाँ से आप जाएंगे, इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देख सकते हैं, देख सकते हैं ट्रेडर्स लगातार डिविडेंड पे कर रही है 18 पैसे का। यहाँ पर देख सकते हैं फेस वैल्यू सब डिविजन फ्रॉम ₹10 पर शेयर टू आर एस, वह 1 रुपया का डिविडेंड दे सकते हैं। फिर 2019 में 90 पैसा का डिविडेंड, फिर 90 पैसा का डिविडेंड देख सकते हैं, फिर 2019 में यह 60 पैसा का डिविडेंड।
तो बहुत ही ज़बरदस्त स्टॉक है ये, तो देख सकते हैं लगातार डिविडेंड पे कर रही है। 2020 में भी 18 पैसे का डिविडेंड पे कर चुकी है। शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ से देख सकते हैं, तो देख सकते हैं 71% स्टेक है किसका, प्रोमोटर का, 28% मात्र है पब्लिक का। तो देख सकते हैं यहाँ से प्लीज शेयर भी देख लेते हैं कितना परसेंट शेयर प्लीज है, देख सकते हैं 0% शेयर प्लीज है, कोई भी शेयर प्लीज नहीं है। यहीं से आप अगर बेकरांगी का देखें तो इसका भी देख सकते हैं कितना शेयर प्लीज है, तो बेकरांगी का देखते हैं तो इसका शेयर कितना प्लीज है ये भी देख लें, तो इसका भी शेयर 0% प्लीज है, मतलब प्रमोटर्स के पास जो भी होल्डिंग है उसमें से कोई भी शेयर प्लीज नहीं है। उसी तरह से आप जो IDFC बैंक है उसका भी देख सकते हैं, IDFC बैंक का देख लेते हैं। देखिए यहाँ से IDFC बैंक इसका यहाँ से कितना क्वांटिटी ट्रेड हुआ है, तो क्वांटिटी जो ट्रेड हुआ है 3,34,00,000, 1,03,00,000 देख सकते हैं ये क्वांटिटी डिलीवर हुई है, मतलब 31% क्वांटिटी डिलीवर हुई है। और यहाँ से आप शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख सकते हैं, ये देखिए कंपनी 2018, 2017, 2016 लगातार डिविडेंड पे कर रही है IDFC फर्स्ट बैंक। अगर ये बैंक पॉजिटिव रिजल्ट पे करती है, मतलब पॉजिटिव रिजल्ट लगातार पोस्ट करती है, तो निश्चित है ये कंपनी आगे चल करके अच्छा करेगी। और यहाँ पर देख सकते हैं ये 40% प्रमोटर्स का होल्डिंग है, 60% पब्लिक का है, और नीचे देख लेते हैं कितना शेयर प्लीस्ड है, तो 0% शेयर प्लीस्ड है, मतलब जो लोन लिया है कंपनी ने अपने बिजनेस करने के लिए रुपया उठाया उसमें से कोई भी शेयर गिरवी नहीं रखा है, मतलब कंपनी के पास जो एसेट है उससे बिजनेस कर रहा है, तो लोन नहीं कर्ज नहीं होने का मतलब है कंपनी के पास खुद का एसेट है उससे बिजनेस कर रहा है, खुद के कैपिटल से बिजनेस कर रहा है। तो उसी तरह से आप जो हमने अशोक लीलैंड बताया था उसका भी आप देख सकते हैं, यहाँ से डिलीवरी पोजिशन देख सकते हैं आज का क्या है, तो 19% डिलीवरी हुआ है देख सकते हैं, मतलब 3,80,00,000 शेयर ट्रेड हुआ है, तो 72,00,000 शेयर उसमें क्या हुआ है, 72,98,000 मतलब डिलीवर हुआ है। और यहाँ से आप शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख सकते हैं, तो चलिए हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। यहाँ से देखिए प्रमोटर्स के पास कितना परसेंट होल्डिंग है, 51%, पब्लिक के पास है 48%, और ये कंपनी लगातार डिविडेंड पे कर रही है, देख सकते हैं 50 पैसा का डिविडेंड पे कर रही है 2020 में, और 2019 में 3 रुपया का डिविडेंड, 2018 में 2.43 रुपीज़ का, 17 में 1.56 रुपीज़ का, और यहाँ से प्लीज्ड प्रमोटर्स होल्डिंग देख सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ से प्लीज्ड शेयर कितना है, तो देख सकते हैं अशोक लीलैंड में आपको 9% शेयर प्लीस्ड दिख रहा है, देख सकते हैं 51% स्टेक है प्रमोटर्स का जिसमें 9% शेयर प्लीस्ड है, तो जब ये प्लीस्ड प्रतिशत 20% 25% से अधिक होता है तो ये ज़्यादा मतलब बैड होता है कंपनी के लिए, लेकिन ये जो है 9% है तो ज़्यादा कोई डरने की बात नहीं है। तो अब लास्ट शेयर है हमारा वोडाफोन आइडिया, तो दोस्तों वोडाफोन आइडिया में इधर एक दिन जो है बहुत ही तेज़ मोमेंटम देखने मिला था, वोडाफोन आइडिया हमारे यहाँ एयरटेल जियो के बाद तीसरा सबसे लार्जेस्ट टेलीकॉम ऑपरेटर कंपनी है, लेकिन जो टेलीकॉम इंडस्ट्री है अभी लगातार जो है वो डाउन चल रही है, मतलब जो जियो का आने से लगातार ये सारी कंपनियाँ घाटे में चल रही है, तो जैसे ही कंपनियाँ अपना नेटवर्क फिर से अच्छा करती है, फिर से कंपनियां प्रॉफिट करती है, तो निश्चित है ये शेयर आपको बहुत ही तेज़ मोमेंटम देखने मिलेगा। चलिए तो यहां से देख सकते हैं ऑल टाइम चार्ट्स, कभी ये शेयर आपको 120 रुपीज़ के आसपास हुआ करता था, मतलब 100 रुपीज़ से ऊपर का हुआ करता था ये शेयर, और अभी देख सकते हैं आपको ये 4 रुपीज़ से भी नीचे है, 3.95 रुपीज़। तो ये इस तरह से देख सकते हैं क्योंकि ये टेलीकॉम कंपनी अभी बहुत ही घाटे में चल रही है, तो हम तो आपको रिकमेंड करेंगे अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप ट्रीडेंट्स, IDFC बैंक, अशोक लीलैंड या बेकरांगी, इन सारी कंपनियों में जो कंपनी अच्छे लगे उसमें करें। वोडाफोन आइडिया, इन सारी कंपनियों जो पांचों कंपनियां बता रहे हैं, तो इसमें वही रुपया आप इन्वेस्ट करें जो कि आप पार्टी में खर्च कर देते हैं, आप कहीं गए तो कॉफ़ी पीने में कर देते हैं, देख सकते हैं एक चाय जो आप पीते हैं उस चाय के एक कप से भी इस स्टॉक का प्राइस कम है, और कभी ये 100 रुपीज़ का हुआ करता था, अभी एक चाय का जो कीमत होता है वो 10 रुपीज़ हुआ करता था, वैसे में आप यहाँ पर 2 शेयर खरीद सकते हैं, तो इसलिए आप जो रुपीज़ आप इधर उधर खर्च कर देते हैं उस रुपये को आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, अगर आपको ये आगे चल कर एक मल्टी बैगर रिटर्न देता है तो बहुत ही अच्छा होगा, आपको बहुत ही बेहतर रिटर्न मिल जाएगा जिससे आप और अच्छे से इंजॉय कर पाएंगे। तो यहाँ पर वही सारे
रुपीज़ को इन्वेस्ट करें इन छोटे छोटे शेयरों में, जिसे आप जहां तहां खर्च कर देते हैं पार्टी करने में, चाय पीने में, कॉफ़ी पीने में। तो यहां पर देख सकते हैं कि वोडाफोन आइडिया बाउंस्ड 53%, ये लगातार दो ही ट्रेडिंग डे में 53% जो है बाउंस कर गया था, मतलब अप मूव कर गया था, क्योंकि इसे पैकेज रिलीफ मतलब होप था, आशा था पैकेज रिलीफ का, इसलिए इसके शेयर में 53% का तेज़ी देखने मिला था। जैसे इसे रिलीफ मिल जाता है गवर्नमेंट की ओर से, तो ये शेयर में भी आपको एक तेज़ मोमेंटम देखने मिल सकता है। अब यहाँ पर हम आ गए हैं NSE की वेबसाइट पर, यहाँ पर देखते हैं कि इसका कितना परसेंट शेयर प्लेस्ड है, क्या है। तो यहाँ से पहले डिलीवरी पोजिशन देख लेते हैं, तो 33% शेयर आज डिलीवर हुआ है, 27,40,60,000 क्वांटिटी ट्रेड हुआ है। देख सकते हैं कितनी भारी मात्रा में क्वांटिटी ट्रेड हुई है, जिसमें से 9,26,00,000 शेयर डिलीवर हुआ है। तो बहुत ही हैवी वॉल्यूम है इस शेयर में, और यहां से आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देख सकते हैं, 72% प्रमोटर्स के पास है शेयर, बहुत ही लार्ज क्वांटिटी है। और इसमें से हम प्लेस डाटा देख लेते हैं, 0% शेयर प्लेस्ड है, लेकिन इसके पास जो गवर्नमेंट के पास रिलीफ है, अगर रिलीफ दे देता है तो ये निश्चित ही अच्छा, बहुत ही अच्छा, मतलब ये आपको आगे चल के रिटर्न दे सकता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 2019 में ये इतना पर शेयर, राइट्स ऑफ इतना, एट द प्रीमियम ऑफ इतना इतना पर शेयर, 2.50 रुपया पर शेयर पे यहाँ पर दिया गया था राइट्स। तो इस तरह से देखते हैं कोई डिविडेंड पे नहीं है, 2016 में ये डिविडेंड पे करती थी, उसके बाद लगातार ये कंपनियां घाटे में चल रही है, क्योंकि जियो के आने के बाद ये कंपनियां लगातार घाटे में चल रही है। तो इस कंपनियों में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो वैसे ही रुपया इन्वेस्ट करें, जो कि आप जहाँ तहाँ पार्टी में खर्च कर देते हैं, कभी भी अपना सारा अमाउंट या अपना ज़्यादातर अमाउंट ऐसे कंपनियों में इन्वेस्ट ना करें। ये हमारा एक अनबायस्ड रिव्यू था, आपने बोला था कि 50 रुपीज़ से कम प्राइस के शेयर को बताने के लिए, तो हमने आपको 5 शेयर बताइए जो कि आगे चलकर एक अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। तो वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।